विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में सुबह 5 बजे से ही हजारों की संख्या में बाहरी राज्य से आए हुए श्रद्धालु लाइनों में ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन कर रहे हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। छठे नवरात्रे में कात्यायनी माँ का पूजन किया जा रहा है। पुजारी सौरभ शर्मा ने कहा कि आज छठा नवरात्र है और माँ ज्वाला का कात्यायनी माँ के रूप में पूजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छठे, सातवें व अष्टमी नवरात्र को 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा और उन्होंने कहा कि आज सुबह 5 बजे से ज्वालामुखी मंदिर में छठे नवरात्र को हजारों श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। कपूरथला श्रद्धालुओं ने कहा कि मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं और प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है। श्रद्धालु ने कहा कि मैं वकील हूं और मां के दर्शनों के लिए आया हुआ हूं। कल चिंतपूर्णी मां के दर्शन किए और आज ज्वाला मां के दर्शन बहुत अच्छे हुए और प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है। SFI छात्र संगठन का जिला स्तरीय सम्मेलन रामपुर में शुरू हुआ। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में पहले जिला भर के विभिन्न महाविद्यालय में आए छात्रों ने रामपुर बस अड्डा होते हुए बाजार में रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में लिंग संवेदनशील कमेटियों का लोकतांत्रिक तरीके से गठन होता ताकि छात्राएं अपनी बात आसानी से कमेटी के समक्ष रख सकें। छात्रों ने सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को मजबूरन निजी शिक्षण संस्थानों का रुख करना पड़ेगा। उन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति जल्द जारी करने व छात्रों में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास की मांग रखी है। धरना प्रदर्शन के बाद शुरू 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें साल भर की रणनीति बनाई जा रही है। SFI के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि रामपुर में रैली और सम्मेलन में भाग लेने जिला भर के कॉलेजों से छात्र आए हैं। उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए जा रहे हैं और छात्रों का स्कॉलरशिप 3 सालों से जारी नहीं किया गया है और जल्द परिणाम घोषित करने की व्यवस्था सरकार करे। उन्होंने बताया कि छात्रों में लगातार नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इससे युवा बर्बाद हो रहा है। इस दिशा में छात्र क्या प्रयास कर सकते हैं, सम्मेलन में चर्चा होगी। SFI जिला अध्यक्ष रमन ने बताया कि रैली कर मांग उठाई गई है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हों। पिछले 6 वर्षों से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में लिंग संवेदनशील कमेटियों के लोकतांत्रिक तरीके से गठित किए जाएं ताकि छात्राएं ऐसी स्थिति में अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रख सकें। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति छात्र हित में नहीं है। सोलन के ऐतिहासिक ठोटो मैदान में ग्राहक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बैंकों की सेवाओं को ग्राहकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना था ताकि भारत से पैसे की कमी को दूर किया जा सके और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। इस मौके पर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है। इन दिनों पैसों की आवश्यकता खरीदार और व्यापारी दोनों को रहती है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए ग्राहक मेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को आसानी से तरह से प्रभावित न हो सके। उन्होंने बताया कि दिवाली के समीप भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समूची दुनिया में मंदी की लहर चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी भारत निरंतर तरक्की कर रहा है और यही कारण है कि मंदी का भारत पर ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है। जो लक्ष्य $5 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था का भाजपा ने देखा है उसे हर हालत में पूरा किया जाएगा।